तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो अगर अभी तक आप जो है 2 से 3 रुपए रिचार्ज में दे रहे हैं, जैसे आप अपने मोबाइल से रिचार्ज करते हैं फोन पे या गूगल पे से, तो 2 से 3 रुपए आपको उसमें पे करना होता है। जैसे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे अपना फोन पे ओपन कर लेते हैं दोस्तों। फोन पे ओपन करने के बाद यहाँ पे हम रिचार्ज वाले सेक्शन पे जैसे जाएंगे, ये हम मान लेते हैं किसी को रिचार्ज करना है, तो ये हम रिचार्ज पे जाएंगे। रिचार्ज पे जाने के बाद ऐसे दोस्तों यहाँ पे हम वाला प्लान हमको करना है, तो यहाँ प्रोसेस करेंगे। जैसे प्रोसेस करेंगे तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 349 रुपये का रिचार्ज है, जब और 303 रुपये जो है प्लेटफॉर्म फीस लग रही है। यहाँ पे तीन ठीक से देख लीजिएगा दोस्तों, 352 रुपये हमको पे करने होंगे अगर हमको रिचार्ज करना है। तो 349 वाले का जो है 352 रुपये पे करना होगा। तो हम तो एक आपकी वीडियो में बताएंगे इसी बारे में कि ये तो बिना पे किए कैसे आप जो है रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे हम 299 वाले का देख लेते हैं। 299 वाले में देखेंगे तो देखो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 203 रुपये पे करने होगा। तो हम यहाँ से बैठ कर जाते हैं दोस्तों, और आपको दूसरा भी दिखा देते हैं यहाँ पे। अगर मेरा गूगल पे बना है तो मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन, ये मोबाइल रिचार्ज के ऑप्शन पे जैसे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको नंबर डाल लेना है। जैसे आप नंबर डाल देंगे दोस्तों, यहाँ पोस्ट करना है नाम डाल देंगे, ये नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे करेंगे दोस्तों, इसी तरह से प्रोसेस होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ पैसे जो है एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ पे हमारा लगता है 1.90 रुपये, जो कि इस तरह आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े, इसके लिए आप आज की वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब अभी आपको दोस्तों आपको ये सब पे ना करना पड़े एक्स्ट्रा पे, उसके लिए आज की वीडियो में बताएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको बता दें, अगर आपका सिम एयरटेल या जियो का है तो आपको जियो के ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे जियो का ऑप्शन सिम है तो आपको जियो माई जियो ऐप पे चले जाना है दोस्तों। जैसे माई जियो ऐप पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे धीरे धीरे प्रोसेस करेगा, जैसे खुलता है तो हम आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे हमारा कोई प्लान एक्टिव नहीं है। यहाँ पे रिचार्ज वाले सेक्शन पे जाना है। जैसे दोस्तों रिचार्ज वाले सेक्शन पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हमको देख अगर हमको 349 वाला करना है तो हम 349 वाले पे रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। जैसे रिचार्ज पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा कि कहाँ से आपको करना है। तो आपको यहाँ पे यहाँ भी से भी आप डायरेक्ट फोन पे भी जा सकते हैं। जैसे वाया फोन पे क्लिक कर देंगे, उस अगर आप गूगल पे चला रहे हैं तो गूगल पे भी जा सकते हैं, लेकिन हम फोन पे चला रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमारा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि जियो किस तरह से आप जियो का रिचार्ज कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा चार्ज किए। यहाँ पे हमको बैंक का जाना है। तो अभी आपको बता देते हैं कि अगर आपका सिम एयरटेल का है, तो अगर आपका सिम एयरटेल का है तो आपके पास एयरटेल थैंक्स ऐप होगा। यहाँ पे ये मेरा एयरटेल थैंक्स ऐप है। यहाँ पे एयरटेल थैंक्स ऐप पे जैसे ओपन करेंगे दोस्तों, ये थोड़ी देर ये भी प्रोसेस करेगा। उसके बाद यहाँ पे हाँ ये देखिए, यहाँ पे रिचार्ज वाला ऑप्शन आ गया दोस्तों। जैसे आप रिचार्ज पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे नंबर हमारा आ गया। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से, यहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन भी आता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे 199 का 2 GB अनलिमिटेड वाला है। जैसे यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है। तो अभी हमको यहाँ पे फोन पे क्लिक कर देना। जैसे फोन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो 199 वाला रिचार्ज देखते हैं कितने का होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे 199 वाला भी 199 का ही हो रहा है।
कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। तो अगर दोस्तों अभी तक आप समझ गए होंगे किस तरह से एयरटेल या जियो का आप यूज कर सकते हैं, तो अगर आपका वोडा आइडिया है या BSNL है तो उसके लिए भी आप सेम यही चीज कर सकते हैं। आपका उस टाइप का पर्सनल एक ऐप होता है उस सिम का, उस ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से आपको रिचार्ज कर लेना है। यहाँ पे आपको बता दें कि अगर यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ आपको अपने नंबर पर ही रिचार्ज करने पे ये छूट है, तो आपको बता दें कि ये केवल अपने नंबर पर नहीं है दोस्तों, कि अगर आप चाहते हैं किसी और का रिचार्ज करना, अपने परिवार घर में या दोस्तों का किसी का रिचार्ज करना चाहते हैं और वो आपसे रिचार्ज के लिए बोल रहा है, तो आपको चाहते हैं कि वो आपको 299 या 349 जो भी होगा तो उसको 300 या जो है 250 जो भी रिचार्ज होगा उसका देगा, जबकि वो एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देगा, तो क्यों आप एक्स्ट्रा चार्ज पे करेंगे, तो इसके लिए आपको बताते हैं। तो आपको यहाँ पे आप उस ऐप पे चले जाना है, तो कैसे रिचार्ज करना है वो आज बताते हैं आपको। तो आप जैसे रिचार्ज वाले सेक्शन पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे चेंज नंबर का ऑप्शन आता है, चेंज नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने इतने सारे लोगों का रिचार्ज किया, तो यहाँ से रिचार्ज वाले पर जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको रिचार्ज चूज कर लेना है, जो भी रिचार्ज करना है तो सेम वही प्रोसेस करना है कि वहाँ पे आपको पेमेंट कर देनी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।